नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। मेष राशि, वृषभ राशि से समेत 12 राशियों के लिए गुरुवार का दिन महत्वपूर्ण है। पंचांग के अनुसार आज का दिन काफी विशेष है। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में हो रहा है। दसवीं की तिथि है। इस दिन ग्रहों की चाल आपकी राशि को किस तरह से प्रभावित कर रही है ये जानते हैं। मेष राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कोई शुभ समाचार लेकर आएगा। राजनीति में कार्यरत लोग एक मोर्चे को पकड़ कर चले तो राजनेताओं की सहमति से काम करें, तभी उन्हें तरक्की मिल पाएगी। आज आपको अपने कुछ बढ़ते हुए खर्चे पे लगाम लगानी होगी, नहीं तो वो आपके लिए समस्या लेकर आ सकता है। वृषभ राशि के जातकों को आज जल्दबाजी में किसी कार्य को करने से बचना होगा और भावनात्मक मामलों में आप धैर्य बनाए रखें। आपको किसी घर और मकान दुकान आदि की प्राप्ति होती दिख रही है, लेकिन आपको आज अपने अंदर अहंकार में चित की भावना को नहीं लाना है। विद्यार्थियों को किसी परीक्षा को देने का मौका मिलेगा, जिसके लिए उन्हें अत्यधिक मेहनत करनी होगी, तभी वह सफलता हासिल कर पाएंगे। मिथुन राशि, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोग अच्छा नाम कमाएंगे। भाग्य के दृष्टिकोण से उनके लिए आज का दिन काफी उत्तम है। आपको आज कुछ सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेना होगा। सरकारी योजनाओं में निवेश करने वाले लोग आज अच्छा खासा धन कमाएंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने से आप प्रसन्न रहेंगे। आपको आज किसी छोटी दूरी की यात्रा पे जाने का मौका भी मिल सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। आप अपनी अच्छी सोच से कार्य क्षेत्र में माहौल को सामान्य बनाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन अधिकारियों की आज आपसे किसी बात पर बहसबाजी हो सकती है। आपको अपने किसी प्रियजन की ओर से कोई मूल्यवान वस्तु भेंट स्वरूप प्राप्त होगी। विरोधी आज आपके लिए खिलाफ साजिश तो करेंगे, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सिंह राशि के जातक आज मिश्रित रूप से फलदायक रहेगा। पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव से आज मुक्ति मिलेगी और चारों ओर का वातावरण भी सुखद रहेगा। विनम्रता से किसी भी कार्य को करें। कला और कौशल को बल मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। आपको आज अपने किसी मित्र की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। माता जी को कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है। कन्या राशि के जातकों को आज लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आज उनकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ाने से उन्हें अपने अंदर अहम की भावना नहीं रखनी है और किसी से बातचीत करते समय अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। आपको कुछ महत्वपूर्ण मामलों में सतर्कता बरतनी होगी, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए दिन करियर के दृष्टिकोण से काफी उत्तम रहने वाला है। आज आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे और जिसको धन उधार देने से पहले सोच विचार अवश्य करें। आपने यदि किसी से पहले कुछ कर्ज लिया था तो आप उसे भी आसानी से उतार पाएंगे। प्रेम जीवन में जी रहे लोगों का जीवन खुशहाल रहेगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। व्यापार कर रहे लोग आज लाभ पाकर प्रसन्न रहेंगे। आपको कारोबार में किसी को साझेदार बनाने से बचना होगा, लेकिन संतान आपसे किसी वस्तु की फरमाइश कर सकती है, जिसके लिए आपको अपने बजट को ध्यान में रखकर ही खरीदारी करनी होगी, नहीं तो बाद में धन के संकट से जूझना पड़ सकता है। धनुराशि के जातकों को आज दिन संबंधित मामले में धन दिन उत्तम रहने वाला है, लेकिन उनको किसी से सौदा समझौता नहीं करना है, नहीं तो बाद में वो अपनी समस्या लेकर आ सकता है। धार्मिक कार्यक्रम पे जोर देंगे और मिलजुल बढ़ाने से भी कामयाब रहेंगे। आप धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था और विश्वास रखेंगे। मकर राशि के जातकों को आज जोखिम भरे कार्यों को करने से बचना होगा और स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को भी नजरअंदाज न करें। आज आप यदि घर और बाहर कोई निर्णय ले तो बहुत ही सोच विचार कर ले। आपको अपने आवश्यक कार्यों को आज योजना बनाकर करना होगा, तभी वो पूरे हो पाएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप बिजनेस में, व्यवसाय में अपने लक्ष्य पे फोकस करें तो बेहतर व्यवहार इधर उधर लोगों के साथ खाली समय व्यतीत करने से अच्छा है कि आप अपने काम पर ध्यान लगाएं। विद्यार्थी अपने गुरुजनों के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। माता पिता से आज आपकी किसी बात पर झड़प हो सकती है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मेहनत से कार्य करने के लिए रहेगा। आपको आज किसी के बहकावे में आकर किसी काम को करने से बचना है। अपने कर्तव्यों के प्रति सावधान रहे। आज उनको कुछ विपक्षी उन पर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे, जिनसे उन्हें बचना होगा। आपको आज अपने धन के निवेश की एक योजना बनानी होगी।